क्लियर ना? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन इनवर्स का डोमेन ये रेंज ये था। एक एक बताओगे तुम लोग, एक एक अनम्यूट करके एक के बाद एक बताओ। पहला बताओ मुझे, अनंत बताओ, कॉस इनवर्स का क्या था डोमेन? -1 यस, एंड रेंज इज 0 to π। टेन इनवर्स का डोमेन है रियल, प्लीज नोट डाउन, कॉपी में अभी लिखो मेरे साथ, और ये है -π/2 to π/2। π/2 यस, एकदम कॉपी में लिखते रहो मेरे साथ, अगर लिखे हो तो फिर से लिखो। कोसेक इनवर्स का डोमेन होगा -∞ to -1 -1 यूनियन 1 to +∞। ओके, ये क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट का मतलब पता है ना? इसका मतलब होता है, ये थर्ड ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूडिंग 1, और फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं हो सकता, ठीक है? और इसका जो वैल्यू होगा, इसीलिए देखो यहां मैंने जिस तरीके से ब्रैकेट दिया है वैसे ही दोगे। यहां पर इसका रेंज होता है -π/2 to π/2, बट नॉट 0। सेक इनवर्स का होगा -∞ to -1 यूनियन 1 to +∞, एंड इट्स रेंज इज 0 to π excluding π/2। द लास्ट वन इज कॉट इनवर्स, डोमेन इज ऑल रियल नंबर एंड द रेंज इज 0 to π। ये एकदम याद रहना है। इसके दूसरा और चीज क्या याद रखना है आपको, इन सब का ग्राफ अगर आप याद कर लोगे ना, तो प्रिंसिपल वैल्यू में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार मिनिमम 3 का ग्राफ तो याद रखा ही करो। पहला साइन का ग्राफ कभी भूलना नहीं चाहिए इंसान को। जितना जरूरत है उतना ही मैंने बनाया। यहां -2π है, इधर -2π, ये π। इसका मेन वैल्यूज जो है वो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है, उसको मैं देखो थोड़ा शेड कर दे रहा हूं। जो प्रिंसिपल वैल्यूज है उसको मैं शेड कर दे रहा हूं, ये प्रिंसिपल वैल्यू है मेरा, यही है ना? ये सुनो, तो यहां पर हमारा होता था -π/2, ये होता था π/2, तो इसके बीच का जो भी वैल्यू होता था यही मेरा प्रिंसिपल वैल्यूज है। दूसरा फंक्शन आपको याद रखना चाहिए y=cos x का। साइन और कॉस का ग्राफ काफी सिमिलर है, डिफरेंस क्या होता है किसी को याद है क्या? डिफरेंस बहुत सिंपल है, ये ग्राफ पिक से स्टार्ट होता है, ये जैसे 0 से स्टार्ट हुआ ये पिक से स्टार्ट होता है और दोनों तरफ ऐसे जाता है। एंड इट इज लाइक दिस। सो ये 0 से स्टार्ट होके, फिर देखो 0 से पिक से स्टार्ट हुआ, फिर नेगेटिव में गया, फिर वापस अपना पिक को रीच किया, तो ये कंप्लीट 1 ड्यूरेशन हो गया, 1 टाइम पीरियड 2π। सिमिलरली यहां से यहां तक हो गया -2π, लेकिन हमें इसमें सिर्फ पॉजिटिव देखना है इसका। तो ये 0 से कहाँ पे होगा बताओ? तो वैल्यू जो है 0, यहां पर होगा हमारा पाई, तो ये जो शेडेड रीजन है ये इसका प्रिंसिपल वैल्यूज है, ये वाला। समझ में आया? यस और नो? थर्ड ग्राफ आपको याद रखना चाहिए, वो है y=tan x का ग्राफ, ठीक है?
ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये होता है प्लस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू। पाई बाय टू पे इसका वैल्यू इंक्रीज होते होते इन्फिनिटी को रिच कर जाता है, इसीलिए पाई बाय टू तक कभी भी नहीं पहुंचता है। यहाँ ध्यान से देखो, टेन में ये क्लोज ब्रैकेट नहीं, ये ओपन ब्रैकेट है, कभी भी पाई बाय टू नहीं होना चाहिए। मैंने आपको साइन का, कॉस का और टेन का ग्राफ दिखाया, इनका इनवर्स का नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा काम में आएगा। एनी डाउट? सो लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम। जो भी एक हम लोग कर रहे थे कॉस इनवर्स वाला, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, किसको किसका नहीं आया एक बार मुझे बताओ। कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू कैसे करेंगे इस सम्स को? बोलो कैसे करेंगे? सर माइनस का वैल्यू पे माइनस और एंगल का वैल्यू उठाएंगे। ये देखो हाफ कब होता है, इसका वैल्यू दो बार हाफ हो रहा है ना, पॉजिटिव हाफ कब हो रहा है? यहाँ पे कहीं पॉजिटिव हाफ होता होगा और नेगेटिव हाफ कहीं यहाँ पर होता होगा, प्रिंसिपल रेंज में जीरो से पाई के अंदर ही मुझे आंसर निकालना है। नेगेटिव हाफ इधर कहीं होता होगा, आप क्या लिख सकते हो? वी नो कॉस थीटा इज इक्वल टू, और बेटर टू से जस्ट अ मिनट, कॉस पाई बाई हाफ मतलब क्या, कॉस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू हाफ होता है ना। इधर आ जाओ, ये देखो है ना, ये इसको हम लोग बोलते थे जीरो, इसको कहते हैं पाई बाय सिक्स, पाई बाय फोर, पाई बाय थ्री और ये पाई बाय टू। सो कॉस पाई बाय थ्री का वैल्यू हाफ होता है, लेकिन हमें माइनस हाफ चाहिए था। माइनस हाफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉस साइन में ये सिंपल होता है, नेगेटिव लगा देते हैं, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता है। कॉस में अंदर नेगेटिव लाओगे तो बाहर पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एनी आइडिया बताओ क्या करेंगे, इसको कैसे निकाले? सब पाई माइनस पाई थ्री कर देंगे। इसको हम लोग सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, दोनों तरफ माइनस ले लो, ठीक है, तो माइनस हाफ होगा। और माइनस कॉस थीटा कैसे को हम लोग कैसे लिख सकते थे, इसको हम लोग लिख सकते थे कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री। नेगेटिव गायब करने का एक ही तरीका है, नेगेटिव अंदर हो तो इसको पाई माइनस जो चीज है इसको लिख दो, तो ये हो जाएगा कॉस टू पाई बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब इस वैल्यू को अभी आप चेक करोगे, सिंस 2 पाई बाई थ्री इज बिलोंग्स टू दिस रेंज, इसका मतलब ये आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ के जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉस 2 पाई बाई थ्री। अब ये कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है ना, क्योंकि हमें पता है एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स लिखते थे हम लोग, ये सिंपली एक्स हो जाता था, एफ इनवर्स और एफ आपस में कट जाता है, उसी तरह कॉस इनवर्स और कॉस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 2 पाई बाई। इलाद्री समझ में आया ये कैसे आया 2 पाई बाई थ्री और नहीं? नहीं है, इज मे बी नॉट प्रेजेंट, ओके। यस सर। प्रॉब्लम नंबर थ्री, ये हुआ tan इनवर्स
माइनस रूट थ्री है, इसको बताओ जरा, ये आसान है। जिस भी ग्राफ में साइन टेन का सवाल आसान होता है हमेशा। क्यों आसान हो जाता है साइन और टेन का प्रॉब्लम? क्योंकि ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और उसी तरह टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। इसीलिए साइन और टेन का प्रॉब्लम काफी आसान हो जाएगा। आपको पता है टेन रूट थ्री कब आता है? पाई बाई थ्री में ना, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा टेन माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। ठीक है, और फिर हमें देख लेना है कि ये क्या इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई थ्री। सो माइनस पाई बाई थ्री इसका जो प्रिंसिपल रेंज था वो क्या था हमारा, ओपन ब्रैकेट नॉट क्लोज ब्रैकेट सॉरी, पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, इसमें बिलोंग्स कर रहा है ना। सो नो प्रॉब्लम, इसको डायरेक्टली पुट कर दोगे। जो भी क्वेश्चन नेगेटिव हो टेन में और साइन में बहुत आसान हो जाता है, कॉस के केस में आपको थोड़ा एक ऑपरेशन करना पड़ता है, इसीलिए एग्जाम में कॉस का आने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। चलो एक और प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, इसको करके बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। पहला नंबर वन, कॉट इनवर्स रूट थ्री। नंबर टू, कॉट इनवर्स माइनस वन। डू इट। तो फर्स्ट वाला पाई बाई सिक्स होगा, फर्स्ट वाला पाई बाई सिक्स होगा, करेक्ट। तुम्हें पता है कि कॉट पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू रूट थ्री होता है, एंड पाई बाई सिक्स जो है इसके रेंज में बिलोंग करता है जो कि है जीरो टू पाई। देयरफॉर कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, करेक्ट। सेकेंड वाला बताओ सर, थ्री पाई बाई फोर। यस इट इज थ्री बाई फोर। पाई बाई फोर कैसे करेंगे सर? कॉट पाई बाई फोर का वैल्यू वन होता है, दोनों साइड नेगेटिव। और कॉट सर नेगेटिव नहीं होता है ना, और नेगेटिव हम लोग ले नहीं सकते, एक्चुअली नेगेटिव होता है लेकिन इसका रेंज जो है वो जीरो से पाई है, इसलिए नेगेटिव को अंदर नहीं ले जा पाएंगे। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, कॉट पाई माइनस पाई बाई फोर, यही ना? ठीक है तो यस, थ्री पाई बाई फोर माइनस वन, सिंस थ्री पाई बाई फोर इज बिलोंग्स टू दिस रेंज, देयरफॉर वी कैन राइट इट लाइक दिस। चलो एक और टाइप का प्रॉब्लम कर लेते हैं, जब सारा किए हैं तो ये भी कर लेते हैं। sec इनवर्स माइनस टू बताओ। sec pi by 3 is equal to how much? रेंज कितना होता है इसका, 0 to pi excluding pi by 2,
सो आंसर शुड बी पॉजिटिव, देयरफॉर वी कैन अगेन डू द सेम प्रॉब्लम. ये आया समझ में? हो जाएगा ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम के लिए? एनी डाउट्स? चलो एक प्रॉब्लम करके देखते हैं. सीबीएसई 2012 का एक सम्स है, बोल रहा है कॉस इनवर्स हाफ प्लस टू साइन इनवर्स हाफ इवेल्युएट करने बोला है. चलो बताओ. एंड ऑब्वियसली हमें इवेल्युएट करना है फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू. सर आंसर पाई होगा. आंसर लेट्स सी कितना आ रहा है. इंडिविजुअली क्या करेंगे हम लोग, एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे और बिठा देंगे ना. सो कॉस इनवर्स हाफ, हाफ कब आता था कॉस में? पाई बाय थ्री में. cos pi by 3 में. एंड टू साइन इनवर्स, इसमें हाफ कब आता था? साइन pi by 6 में, है ना. ये pi by 3 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा pi by 6 और pi by 3 प्लस pi by 3, दिस इज 2 pi by 3. ठीक है. Yes. चलो एक और प्रॉब्लम ऐसा ही करते हैं. दिस इज अगेन प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स. ये बोल रहा है साइन इनवर्स माइनस हाफ प्लस टू कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू इवेल्युएट. कुछ मत करो, एक एक इंडिविजुअली अगर प्रॉब्लम होता हो, अभी हमने सॉल्यूशन जैसे सीखा था, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो और बिठा दो. हेल्प के लिए स्क्रीन पे देख सकते हो. नाइन पाई बाई सिक्स. ओके देखते हैं. ये जो भी अभी मैंने किया, इन दोनों को यहाँ कॉम्बाइन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स
प्लस टू इंटू फाइव पाई बाई सिक्स, ऐसा आ रहा है क्या? हो जाएगा पाई बाई सिक्स प्लस टेन पाई बाई सिक्स, सो दिस विल बिकम नाइन पाई बाई सिक्स, ये थ्री से डिविजिबल है ना, थ्री पाई बाई टू। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस प्रिंसिपल आपको क्या याद रखना है, एकदम प्रिंसिपल का जो डोमेन रेंज है एकदम घोल के पी जाओ, और एक छोटा सा प्रिंसिपल याद रखना कॉट के लिए पाई माइनस पाई थीटा करने वाला कॉन्सेप्ट, कॉस के लिए पाई माइनस थीटा करने वाला कॉन्सेप्ट, कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम दे दे सॉल्व हो जाएगा। ये है मदर इक्वेशन, इसको भूले तो एग्जाम में गलती हो। चलो एक और छोटा सा चीज है, प्रॉपर्टी है, मैं बता दे रहा हूं, इसको याद कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता है सबको, प्रॉपर्टी में एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और मान लो यहां लिखा है साइन थीटा अंदर, तो आप डायरेक्टली इसको थीटा नहीं लिख सकते, थीटा आप तभी लिख सकते हो जब कंडीशन ये हो कि थीटा जो है वो बिलोंग्स कर रहा हो इसके रेंज में, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तभी जाके इसको हम थीटा लिख सकते हैं, साइन और साइन कट जाएगा, अदरवाइज नहीं लिख सकते। जो अभी अभी मैंने पढ़ाया डोमेन रेंज, वो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी मैं एप्लीकेबल है, तो इसको इस फॉर्म में एक बार लिख लो, कॉस इनवर्स और अंदर मान लो कॉस थीटा है, तो इसको मैं थीटा तभी लिख पाऊंगा जब थीटा का रेंज क्या होगा बताओ, जीरो टू पाई। सिमिलरली tan इनवर्स tan थीटा कैन बी रिटेन एज थीटा इफ एंड ओनली इफ थीटा इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, बट द फर्स्ट ब्रैकेट नॉट थर्ड ब्रैकेट। फटाफट सारा लिख लो जरा, कोसेक इनवर्स का भी वही, एक्सक्लूडिंग जीरो, सेक का एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू, एंड द लास्ट वन इज कॉट तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। सेक वाला में एक्सक्लूड होगा ना पाई बाई टू, किसमें? सेक में, सेक में, ओह सॉरी, हाँ एक्सक्लूड होगा, या चलो यहां से देखो इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हम लोग समझते हैं। ये प्रॉपर्टी जो दिख रहा है, हो गया लिखना, इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग समझते हैं। कभी मान लो एग्जाम में ऐसे दे दिया, दैट साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको डायरेक्टली देखते हैं, साइन साइन कट गया, आंसर टू पाई बाई थ्री कर देते, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 2 पाई बाई थ्री जो है ये नहीं बिलोंग्स कर रहा है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, जो कि इसका रेंज था, ये इसके अंदर बिलोंग्स नहीं करता है, तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते। इसका मतलब मुझे ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा एप्लीकेशन यहाँ सॉल्व करना होगा, फिर हम लोग काम कर सकते, ऐसे डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते।
तब हमें क्या करना होगा, अब ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11 याद करो, क्लास 11 में हमने सीखा था वो सब यहाँ अप्लाई करें। इस साइन 2 पाई बाई 3 को हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 3, एनी प्रॉब्लम? ये 2 पाई बाई 3 को ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसा लिखने से क्या हो गया, ये चला आया उस फॉर्मूला में, याद आ रहा है, ऑल का घर होता था, ये साइन का घर होता था, ये टेन का घर होता था और ये कॉस का घर होता था, सिखाया था मैंने, याद आ रहा है। पाई माइनस पाई मतलब 90 इंटू 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नाइन्टी इंटू 90, यहां तक पहुंचे हम लोग, 90 इंटू 2 माइनस पाई बाई 3, मतलब यहां पहुंच गए, किसके घर में पहुंचे हम लोग, 90 इंटू 2 माइनस पाई बाई 3 करके साइन के घर में साइन गया है। साइन के घर में जब साइन जाता है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, ये पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, और 90 इंटू 2 करने का मतलब होता है, इवन मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है साइन साइन ही रहेगा, कॉस में नहीं बदलेगा, ये आ जाएगा साइन पाई बाई 3। और चूंकि पाई बाई 3 इस रेंज में बिलोंग करता है तो इसको मैं डायरेक्टली पाई बाई 3 लिख सकता हूं, एज दिस पाई बाई 3 इज बिलोंग्स टू दिस रेंज। ये वाला समझ में आया कि नहीं, क्लास 11 का है, और बताऊं फिर से? यस सर क्लियर। यस सर क्लियर। क्लियर है ना, इस तरह के देखो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक सॉल्व करके मुझे बताओ। कॉस इनवर्स कॉस 7 π/6, पाई बाई 6 इज इट, चेक करो जरा। पाई बाई 6 होगा या और भी आंसर होंगे, एक ही आंसर होगा या एक से ज्यादा आंसर होगा, चलो देखते हैं क्या किया इसको। इसको मैं डायरेक्टली तो नहीं लिख सकता ना 7 π/6, since 7 π/6 is not belongs to its range which is 0 to π, तो क्या किया इसको बताओ, पाई प्लस पाई बाई सिक्स का फॉर्म में लिखा, पाई प्लस पाई बाई सिक्स ऐसा किए। अच्छा अगर पाई प्लस पाई बाई सिक्स करोगे तो 7 π/6 तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 इंटू 2 प्लस, मतलब 10 के घर में पहुंच जाएगा कॉस। अगर वैसा करोगे तो क्या होगा, 10 के घर में पहुंच जाएगा कॉस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा कॉस पाई बाई 6, समझ में आया? पाई बाई 6 कैसे होगा, ये ऑल पॉजिटिव, ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, यहाँ ओनली टेन एंड कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर ओनली कॉस एंड सेक पॉजिटिव, एकदम याद रखना है ये। तो ये तो नहीं चलेगा, अगर ये चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, फिर इसको क्या करोगे, फिर से कुछ करना पड़ेगा, पर उस तरीके से ना जाके क्या किया जा सकता है नेगेटिव को गायब करने के लिए। फिर से ये लिख सकते हो इसको, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा,
ये कितना हो जा रहा है, फाइव पाई बाई सिक्स। फाइव पाई बाई सिक्स बिलोंग्स करता है जीरो से पाई के बीच में, देयरफॉर आंसर इज, ठीक है। चलो फटाफट 5 मिनट बचा है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कर लो इसे भी। टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर, बताओ। यस हुआ, हेलो। यस सर। हुआ इसका आंसर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टेन थ्री पाई बाई फोर है तो इसको सिंपली क्या कह सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई फोर। व्हाट इज द प्रॉब्लम, थ्री पाई बाई फोर को ऐसे लिख दिया। अब हम लोग देखेंगे कहाँ जा रहा है, इधर आ जाएगा है ना ऑल, और ये साइन के घर में पहुंच गया टेन, टेन पहुंच गया साइन के घर में तो माइनस आ जाएगा, टेन पाई बाई फोर हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरा हमें एक प्रिंसिपल पता है, दैट्स टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। इस प्रिंसिपल से ये हो जाएगा टेन माइनस पाई बाई फोर, सिंस माइनस पाई बाई फोर इज बिलोंग्स टू दिस रेंज, देयरफॉर आंसर इज। क्लियर ना, सो होमवर्क अप टू जो पढ़ाया उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे एंड रिवीजन, रिवीजन ऑफ क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री formula of multiple angle sub multiple angle compound angle and all others। जितना भी पढ़े हो trigonometry class 11 में सारे के सारे फॉर्मूलाज को एकदम अच्छे तरीके से लिख के कॉपी में फेयरली रिवीजन करके उसके प्रॉब्लम्स देख के आना। नेक्स्ट क्लास हम लोग इस वीक में एक अरेंज करेंगे, ओके। एनी क्वेश्चंस, नो सर, गुड नाइट।